आज मैं आप सबके सामने एक ऐसी वीर की कहानी लेके हाजिर हूँ जो आपकी आंखों को नम करेगी और आपको कहीं ना कहीं भारतीय होने पे और भारतीय फौज पे गर्व महसूस कराएगी। कहते हैं मौत हर उस शख्स को गले लगाने के लिए उसी दिन से तैयार रहती है जिस दिन से वो भारतीय सेना का हिस्सा बनता है, पर भारतीय सेना का हर जवान मौत से आंखें मिलाकर हर रोज अपनी जिंदगी जीता है। जब वो खुद चाहता है तभी मौत उसको छू पाती है। आज की ये कहानी भी एक ऐसे ही शूरवीर की है जिसने अनगिनत बार मौत को खुद के पास आने से फटकारा था। अपनी जिंदगी के आखिरी 11 दिनों में तो वो मौत को हर कदम पे चकमा दे रहा था और जब मौत उसके पास आई तो नजरें झुकाकर उस वीर की सभी शर्तों को मानते हुए और सहमे हुए कदमों से। आज की ये कहानी इंडियन आर्मी के ऐसे जाबाज की है जिसकी बहादुरी का कोई सानी नहीं है। बड़े से बड़ा ऑफिसर भी इस जाबाज की दिलेरी के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। अपनी जिंदगी के आखिरी 11 दिनों में 3 खतरनाक ऑपरेशन को अंजाम देते हुए 10 खूंखार आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने वाले इस योद्धा का नाम था लांस नायक मोहननाथ गोस्वामी। लांस नायक मोहननाथ गोस्वामी उत्तराखंड नैनीताल के छोटे से गांव लालकुआं के रहने वाले थे। लांस नायक मोहन को अपने वतन से प्यार और बहादुरी विरासत में मिली थी। उनके कई पुरखों ने मां भारती के लिए अपना जीवन लगाया था। बचपन से ही अपने पिता की वर्दी पहनकर उन्हीं की तरह सैल्यूट करने का शौक रखने वाले लांस नायक मोहन का इंडियन आर्मी से जुड़ने का सफर काफी मुश्किल भरा था। लगातार 6 बार रिजेक्शन फेस करने के बाद लांस नायक मोहननाथ गोस्वामी को इंडियन आर्मी की वर्दी मिली। कहते हैं वीर को उसकी वीरता दिखानी नहीं पड़ती है, उसके काम से उसकी वीरता का पता लग जाता है। इंडियन आर्मी से जुड़ने के बाद साल 2002 में लांस नायक इंडियन आर्मी के पैरासूट रेजिमेंट के 9 पैरा एसएफ का हिस्सा बने। 9 पैरा एसएफ अपने फियरलेस सोल्जर और डेयर डेविल ऑपरेशंस के लिए मशहूर है। अपनी वीरता और साहस के चलते उन्होंने यूनिट सबसे जाबाज सैनिक के रूप में ख्याति हासिल की। तमाम बड़े ऑपरेशन में हिस्सा लिया और जम्मू कश्मीर में एंटी टेररिस्ट कॉम्बैट ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी हासिल की। बात है 22 अगस्त 2015, इंडियन आर्मी को एक टिप मिली कि 3 आतंकी जम्मू कश्मीर के हदवारा डिस्ट्रिक्ट के खुरमुर गांव में आने वाले हैं और वहां 6 आतंकी और आकर उनसे मिलने वाले हैं। ये 6 आतंकी अभी एलओसी क्रॉस करके आए थे और काफी खतरनाक थे। 9 पैरा सबके ही कैप्टन दिवेश मेहरा को एक स्क्वाड के साथ इस ऑपरेशन के लिए भेजा गया। 22 अगस्त की रात लांस नायक गोस्वामी अपने 2 साथी और मेजर अनुराग के साथ 9 पैरा एसएफ के हेडक्वार्टर से उधमपुर किसी और ऑपरेशन के लिए जा रहे थे। ये चारों अभी अपने कॉम्बैट व्हीकल में बैठकर अपने ऑपरेशन के प्लेस पर जा ही रहे थे तभी वायरलेस पर उन्हें एक मैसेज मिलता है कि कैप्टन दीपेश को गोली लगी है और वो घायल है। ये मैसेज खुरमुर से आ रहा था जहां कैप्टन दीपेश की मुठभेड़ आतंकियों से चल रही थी। अभी मेजर अनुराग और लांस नायक कुछ डिसाइड ही कर पाते इससे पहले एक मैसेज और आता है, आतंकियों के पास क्लासनिको मशीन गन है जिसका सामना करना भारतीय फौजियों के लिए मुश्किल हो रहा था। फौरन अपने व्हीकल को खुरमुर गांव की तरफ ड्राइव करने का इशारा करके मेजर अनुराग और लांस नायक गोस्वामी अपनी टावर 21 राइफल का मैगजीन चेक करने लगते हैं। जैसे ही मेजर अनुराग की व्हीकल ऑपरेशन साइट पर पहुंचती है इन पर गोलियों की बौछार हो जाती है। कवर लेकर चारों पैरा कमांडोज कुछ देर इंतजार करते हैं और फिर रेंग कर आगे बढ़ते हैं। रेंगते हुए सभी कमांडोज एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां से 20 मीटर की दूरी पर आतंकी थे और आतंकियों से 10 मीटर की दूरी पर घायल कप्तान दीपेश का स्क्वाड था। आतंकियों की एग्जैक्ट पोजीशन रिवील करने के लांस नायक अपने कवर से थोड़ा हटते हैं। ऐसा होते ही आतंकी अपनी मशीन गन की गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं और इसी का इंतजार लांस नायक और बाकी सभी कमांडोज कर रहे थे। आतंकियों के ठिकाने का पता चल चुका था तब शुरू हुई भीषण गोलाबारी। अपने टार 21 की एक गोली से लांस नायक गोस्वामी एक आतंकी को मार गिराते हैं और भागकर घायल कैप्टन दीपेश को निकालते हैं। अगले दिन तक चले इस ऑपरेशन को लांस नायक गोस्वामी ने सभी आतंकियों को मारकर खत्म किया और इसे एक सफल ऑपरेशन के रूप में अंजाम दिया। बाद में इस ऑपरेशन को ऑपरेशन खुरमुर नाम दिया गया। बात है फिर उसके बाद 26 अगस्त 2015, महज 4 दिन बाद लांस नायक गोस्वामी के स्क्वाड ने अभी 2 दिन भी आराम नहीं किया था और एक इनपुट आई कि 5 हार्डकोर टूरिस्ट उरी सेक्टर के पास घुसपैठ करने की
कोशिश कर रहे हैं। यह आतंकी समसाबरी रेंज के ऊपर 4000 फीट की ऊंचाई पर ट्रैकिंग करते हुए अंदर घुसे थे। 35RR की टीम को इनको टैकल करने के लिए भेजा गया था और उन्होंने एक आतंकी को मार गिराया था। बाकी के 4 आतंकी अंधेरे और घने जंगलों का फायदा उठाकर भाग निकले। ड्रोन से इनका पीछा भी किया गया। 26 अगस्त सुबह 6:45 बजे को ड्रोन द्वारा इन आतंकियों के आखिरी बार स्पॉट किया गया था और सुबह 9:30 बजे इंडियन आर्मी के ध्रुव हेलीकॉप्टर से लांस नायक समेत 12 कमांडो आतंकियों के लास्ट नोन लोकेशन से 4 किलोमीटर की दूरी पर एयर ड्रॉप किया गया और ये सभी कमांडोज अपने ग्रुप में आगे बढ़ने लगे। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन लीडर पंजाल। ड्रोन की लोकेशन का पीछा करते हुए दोनों टीमें एक गुफा में पहुंचती हैं जहां आतंकी छिपे थे। जैसे ही लांस नायक आतंकी को स्पॉट करते हैं अपनी बंदूक से उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। जवाब में आतंकी भी गोलाबारी शुरू कर देते हैं। लांस नायक दोनों टीम को गुफा से बाहर निकलकर गुफा के दोनों मुहाने को कवर करने के लिए ऑर्डर देते हैं। जैसे आतंकियों की तरफ से गोलाबारी थोड़ी कम होती है लांस नायक गोस्वामी भी भागकर गुफा से बाहर निकलते हैं और अपने साथियों के पास पहुंचते हैं। बाहर से आतंकियों को सरेंडर करने के लिए कहा जाता है और काफी प्रयासों के बाद जब आतंकी सरेंडर नहीं करते हैं तो गुफा के अंदर एक कमांडोज RPG फायर कर देता है। RPG के फायर से बौखलाए कुछ आतंकी बाहर निकलकर फायर करते हैं। इनमें से 3 आतंकी को लांस नायक गोस्वामी मार गिराते हैं। बाकी बचे आतंकियों को गुफा के अंदर घुसकर इंडियन आर्मी द्वारा मार दिया जाता है और एक आतंकी को जिंदा पकड़ लिया जाता है। यह आतंकी कोई और नहीं बल्कि लश्कर का टॉप कमांडर सज्जाद था। बात है 2-3 सितंबर 2015 की, जब 6 दिन बाद अगले ऑपरेशन की बारी थी और यह ऑपरेशन लांस नायक गोस्वामी के लिए सबसे अलग होने वाला था। लगातार 2 ऑपरेशन के बाद भी लांस नायक गोस्वामी का जोश कम नहीं था। वो पूरी तरह से इस ऑपरेशन के लिए तैयार थे और कहा भी जाता है कि फौजी हमेशा जंग के लिए तैयार होता है और उसका जीता ज्यादा एग्जांपल थे लांस नायक गोस्वामी जी। बात 2 सितंबर 2015 की है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक कुपवाड़ा के सबसे घने जंगल सुतसलियार में 6 आतंकियों को देखा गया था। यह इलाका इतना खतरनाक था कि यहां की विजिबिलिटी कभी 3 मीटर से ज्यादा नहीं होती है। 36 कमांडोज की 6 स्क्वाड को इस ऑपरेशन के लिए भेजा गया था और इस बार भी लांस नायक गोस्वामी अपने फेवरेट अफसर मेजर अनुराग के साथ गए थे। 9 पैरास अपने इलाके और चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए ऑपरेशन की डेडलाइन 96 आवर्स की रखी, 4 दिन की रखी। रात 8:30 बजे लांस नायक गोस्वामी को एक सस्पेक्टेड लोकेशन पर आतंकियों की कुछ गतिविधियां दिखाई पड़ी और पलक झपकते ही दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई। अभी चंद मिनट ही बीते थे, एक आतंकी को लांस नायक गोस्वामी ने गोली मार करके वहीं पे मार गिराया, लेकिन वो आतंकी अभी मरा नहीं था। गोलियों के बरसात के साथ आसमान से भी बारिश होने लगी। बढ़ती बरसात के साथ दोनों ओर से ही बंदूक की आवाजें खामोश हो चली थी, पर आधी रात के बाद अचानक से आतंकियों ने भारी गोलाबारी शुरू कर दी और 2 ग्रेनेड लॉन्चर्स भी दागे। इस वजह से लांस नायक के 2 कॉमरेड्स बुरी तरह से घायल हो गए। लांस नायक गोस्वामी अपने दोस्त हवलदार महेन सिंह के साथ घायल सैनिक की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने ऐसा किया उनके दोस्त को आतंकियों की गोलियां लगी जिससे शरीर का निचला हिस्सा पैरालाइज्ड हो गया और वो हिल नहीं पा रहे थे। अपने दोस्त को बचाने के लिए लांस नायक गोस्वामी अपने कवर पोजीशन को छोड़कर बाहर निकले और आतंकियों पर जमकर गोलियां बरसाने लगे, पर गोलाबारी के दौरान 2 गोलियां कर लांस नायक गोस्वामी को लगी। एक उनके कमर से आर पार हो गई और एक पेट में धंस गई, लेकिन उन्होंने अपने बंदूक की नली नीचे नहीं झुकने दी और जमीन पर गिरने से पहले अपनी ओर आते हुए 2 आतंकियों को जहन्नम पहुंचा दिया। जैसे जैसे बारिश की बूंदें लांस नायक गोस्वामी के घावों से खून की बूंदों को साफ कर रही थी, वैसे ही लांस नायक गोस्वामी अपने पुराने दोस्त और मौत को अपने पास आने दे रहे थे। ऑपरेशन खत्म होने के तुरंत बाद लांस नायक गोस्वामी के पार्थिव शरीर को इंडियन एयरफोर्स के जहाज से उनके होम टाउन ले जाया गया जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। लांस नायक गोस्वामी ने साहस और देशभक्ति का एक ऐसा उत्कृष्ट प्रदर्शन किया जो शायद ही कभी सबसे बहादुर पुरुषों में भी देखा जाता। उन्होंने अपने सैनिक और उनकी सुरक्षा को अपने प्राणों से ऊपर रखा और अंतिम सांस के साथ अपने देश की रक्षा की। उनकी सर्विस देशभक्ति का सच्चा स्वरूप था और उनकी बहादुरी सबको हमेशा प्रेरित करती रहेगी। उनकी बहादुरी मरणोपरांत के बाद शांतिकाल का उन्हें सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया, उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी शहादत को याद करते हुए उनकी पत्नी ने कहा था कि वीरों की जरूरत हमेशा धरती और स्वर्ग में होती है। शायद नियति को यही मंजूर था और मैं गर्व से कहना चाहता हूं कि वाकई में हमारे देश का हर फौजी डिजर्व करता है धरती पे रह करके भारत माँ की सुरक्षा के लिए या तो फिर आसमान में जाके स्वर्ग के लिए। उस रात लांस नायक मोहननाथ गोस्वामी दुश्मन पर साक्षात काल बनकर बरसे थे और जो भी उनके रास्ते में आया था उन्होंने सदा के लिए उसको
खत्म किया और उसको मौत के घाट सुला दिया था। यह देश और हम सब लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी की शहादत के लिए हमेशा ऋणी रहेंगे और उनके बलिदान से देश सेवा की सीख लेंगे। ऐसी अनेकों माँ भारती के सपूत हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व इस देश की रक्षा में कुर्बान कर दिया। किसी और वीर की बेता भरी कहानी लेकर मैं बिल्कुल आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, और मैं चाहूंगा कि आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में उस अगले वीर की कहानी बताएं जो मैं आपके समक्ष लेकर गया हूं। मुझे लगता है कि ये कहानी नहीं है, ये सब एहसास हैं जो हमारे दिल को दहलाते हैं और झकझोर के रख देते हैं। और मुझे लगता है कि हमने बहुत सारी कहानियां सुनी हैं, बट ये सच्चे वीर की कहानी हमें सुननी भी है, और मुझे लगता है कि देश के हर कोने तक ये कहानी पहुंचनी चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि डिफेंस के मेरे जितने भी लवर हैं और हर देशवासी से कहना चाहता हूं कि इन कहानियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे वाकई में रियल हीरोज़ की कहानी हर घर तक पहुँचे, हर परिवार तक पहुँचे और हर सच्चे देशभक्त के पास पहुँचे। और मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँगा एक ऐसे ही वीर सपूत की कहानी लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू।